नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन जियो पोस्ट लाइट आईडी कैसे बनाएंगे। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, सर बताइए कि जियो पोस्ट लाइट आईडी कैसे बनाएंगे, हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों का जो है आईडी नहीं बन पा रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा फुल ट्यूटोरियल साथ बताने वाला हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से आप आसानी से अपना जो है आईडी बना सकते हैं और उससे आप जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन पा सकते हैं। 20% 30% तक कमीशन आप आसानी से पा सकते हैं। इजिली कैसे आपको जो है कमीशन पाना है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा, आप कैसे रिचार्ज करके कमीशन पाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों रिचार्ज करके आप सिम कार्ड के ओपन करके कैसे कमा सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको। एक एक जो है रिचार्ज करने पे कितना कमीशन मिलेगा वो भी हम आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को उसकी मत करिएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नया आईडी एक्टिवेट करने के लिए, नया आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है आपका यहाँ पे जो है ईमेल आईडी डालना है, जियो नंबर डालना है और यहाँ पे चूज पार्टनर टाइप्स पे आपको पहले नंबर पे ही क्लिक करना है। जो है अगर दूसरा नंबर तीसरा नंबर क्लिक करेंगे तो आपका जो है आईडी क्रिएट नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको जीएसटी नंबर वगैरह मांगेगा, तो आपको पहले नंबर पे क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे जियो नंबर डाल देना है। जियो नंबर आपका जो है आपके पास जियो का ही सिम कार्ड होना चाहिए, तभी आप जो है जियो नंबर डाल सकते हैं। जियो का सिम कार्ड नहीं रहेगा तो आप जो है आईडी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो एक ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको और ये बेसिक चीज़ें हैं आपको ध्यान में रहना चाहिए। और यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देना है, जो भी आपको ईमेल आईडी यहाँ पे पता है उस ईमेल आईडी को डाल के यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह डाल के आपको जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके नंबर पे जो है एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे आपको सिंपल से डाल देना है। चलिए फटाफट से ओटीपी को डाल देते हैं। यहाँ पे ओटीपी को डालने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आपको टिक करना है, ये हटा देना है, आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ वैलिडेट पैन आपको वैलिडेट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और आपको जो है पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे सबमिट करेंगे और यहाँ पे जो है पैन कार्ड को अपलोड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे चलिए पैन कार्ड को अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है लोकेशन वगैरह आपको यहाँ पे जो है डाल देना है, आपका वर्क कहाँ पे है, ऑटोमेटिकली ये जो है फेंच हो जाएगा, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका जो है सक्सेसफुली देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो है एड्रेस वगैरह फिल कर देना है। ओके, अगर नहीं फिंच हो पाता है तो आपको एड्रेस वगैरह फिल कर देना है। यहाँ पे लैंडमार्क नंबर, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके नंबर पे फिर से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे फिर से डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो है सक्सेसफुली आपका जो है आईडी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है, थैंक यू फॉर साइनिंग अप विद जियो लाइट्स। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे नंबर अपना डाल देना है, जो भी आपका नंबर है यहाँ पे आपको डाल देना है, आपका फिर से जो है आपका जिससे आपने आईडी बनाया था उस नंबर को यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ओके, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है अपना जो है ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ओके, अगर आपको यहाँ पे भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पूछ लीजिएगा, मैं उसका स्पेशल वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे आप क्लिक करके लोड मनी आप पेमेंट को ऐड कर सकते हैं, जितना चाहे पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 1000 डालेंगे तो आपको जो है यहाँ पे 4% कमीशन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ऊपर से कमीशन आपको 4% मिल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे अगर 1000 रुपये ऐड कर सकते हैं, 1037 रुपये 52 पैसे आपको मिल जाते हैं, मतलब आपको 3-4% तक आप कमीशन यहाँ से मिल जाता है। अगर आप 2500 रुपये डालेंगे तो 2594 रुपये आपको मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको जितना अमाउंट डालना है आप यहाँ पे डाल के यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे आपको जो है पेमेंट आपका यहाँ से आप फ़ोनपे गूगल पे जिससे भी आप पेमेंट को ऐड करना चाहते हैं यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपका पेमेंट अमाउंट जो है अकाउंट से कट जाएगा। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिचार्ज। ओके, तो रिचार्ज आप क्लिक करके यहाँ पे जो है अपना नंबर डाल के यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पैसा जब तक आपको वॉलेट में पैसा नहीं रहेगा तो आप रिचार्ज नहीं कर सकते। रिचार्ज पे आपको कोई भी रिचार्ज आप करेंगे तो उस पर आपको 3% कमीशन ऊपर से मिलेगा। और आप अगर 239 रुपये के ऊपर का रिचार्ज करते हैं, जैसे 6,699 का रिचार्ज करेंगे तो आपको ऊपर से 2% आप कमीशन मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसको पढ़ाई जरूर हूँ। ओके, तो बस आज की स्पीड में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कैसे आपको सिम कार्ड ओपन करना है। सिम कार्ड ओपन करने की मैंने वीडियो पहले से बना दिया है। अगर आपको दूसरा वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। ओके दोस्तों, तो बस आज की स्पीड में जय हिंद, वंदे मातरम।